हेलो गाइस, आई एम सौरभ फ्रॉम आइकॉन स्कूल। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th सब्जेक्ट आपके साइंस, क्वेश्चन आंसर का डे 9। देखिए डे 8 पर हमने टेस्ट लिया था, आप सभी को पता है, वो टेस्ट की नोटबुक जरूर जमा कराएं फिल करके। तो हम क्लास 7th का साइंस का डे 9 आज रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्वेश्चन आंसर। तो आपके चैप्टर नंबर 3 न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है फाइबर टू फैब्रिक। तो ये आपके फाइबर टू फैब्रिक यानी कि रेशे से मतलब धागा, एक तरीके से मतलब पहले तो रेशे प्राप्त होता है, फिर धागा बनता है, सूत बनता है एक तरीके से। तो देखेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन, पहला क्या है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो ये देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट यील्ड वूल, कि बिच ऑफ द फॉलोइंग नीचे दिए गए कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो डज नॉट नहीं देते यील्ड या नहीं देते क्या बूल यानी ऊन, यानी ऐसे कौन से जानवर जो ऊन नहीं देते। देखो कैमल, कैमल से ऊन निकलता है, याक से ऊन निकलता है, लेकिन डॉग, कभी किसी ने सुना डॉग से ऊन निकलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉग। भी देखेंगे बिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म और नेम इज नॉट रिलेटेड टू सेरिकल्चर, सेरिकल्चर होता है आपका रेशम पालन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो नीचे तीन चीजें दिए गए हैं, जो नेम दिए गए हैं, जो टर्म्स दिए गए हैं, वो क्या चीज, उन तीनों में से कौन सी ऐसी चीज है जो सेरिकल्चर यानी रेशम पालन से रिलेटेड नहीं करती, उससे संबंध नहीं रखती। तो देखिए शियरिंग आपके होता है पशुपालन, कैटरपिलर आपके इस सेरिकल्चर में जो कैटरपिलर होता है रेशम का कीड़ा उसे बोला जाता है, और प्यूपा वो होता है जो रेशम का कीड़ा जब अपने ऊपर उसके क्या बोलते हैं कवर कर लेता है ना, अपने खोल इसके अंदर रह जाता है, खोल बन जाता है इसके ऊपर पूरी रात उसके लार निकलने से, तो उसको बोलते हैं प्यूपा। तो आपको ये पता है ये दोनों तो सेरिकल्चर से रिलेटेड कर रहा है, बट शियरिंग पशुपालन सेरिकल्चर से रिलेट थोड़ी करता है, ये पशुपालन वो रेशम पालन में रेशम के कीड़ों का उपयोग होता है और पशुपालन में पशु का उपयोग होता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, शियरिंग। सी देखेंगे पश्मीना शॉल आर बीड फ्रॉम विच ऑफ दीज, पश्मीना शॉल किससे बोए जाते हैं, किस भेड़ से, किस प्रजाति की भेड़ से बोए जाते हैं, देखेंगे अंगोरा वूल, याक वूल या कश्मीरी गोट वूल। तो इसका आंसर आ जाएगा कश्मीरी गोट के वूल से ही क्या बनता है, पश्मीना शॉल। डी देखेंगे फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग शीप डू वी ऑब्टेन कार्पेट वूल, इनमें से नीचे दिए गए तीन शीप्स में से कौन सी शीप है जो कारपेट वूल देती है, कारपेट बनते हैं ना अपने बिछाने के, उन कारपेटों के वूल देती है। तो देखेंगे मैरोनो शीप, लोही शीप और नाली शीप, तो आंसर आ जाएगा थर्ड नाली शीप। ई देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज ए गुड इंसुलेटर, कौन सा फाइबर, कौन सा रेसा ऐसा है जो अच्छा रोधक है ना, तो देखेंगे कॉटन, सिल्क या जूट, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सिल्क। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी देखते हैं। देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ए नेम ए फ्यू वैरायटी ऑफ सिल्क, सिल्क की कुछ वैरायटियों के नेम लिखने हैं। तो सिल्क की वैरायटी है मलबेरी सिल्क, मूगा सिल्क एंड तासर सिल्क, ये आपको तीन नेम लिख लेने हैं वैरायटी में। बी देखेंगे नेम टू ब्रीड्स यानी प्रजातियों के नाम लिखने ऑफ शीप की यानी भेड़ों की फाउंड इन इंडिया, जो भारत में पाई जाती है, यानी भारत में पाए जाने वाली भेड़ों की दो जाति या दो प्रजातियों के नाम लिखने, गिव द नेम्स ऑफ स्टेट और उनके स्टेट भी बताने कि वो भारत में कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, विच दे आर फाउंड, कौन से स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये देखेंगे मारवाड़ी शीप जो कहाँ पाया जाता है, गुजरात में, और बाखरवाल शीप जो कहाँ पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये आपके दो शीप हो गए प्रजातियाँ, बाखरवाल और मारवाड़ी, और ये आपके स्टेट के नेम हो गए जो इंडिया के अंदर है। क्वेश्चन नंबर सी व्हाई डू यू नीड क्लोथ्स, आपको कपड़ों की जरूरत क्यों होती है। तो देखेंगे बिकॉज क्लोथ्स गिव प्रोटेक्शन, क्योंकि क्लोथ हमें क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं, किससे, फ्रॉम हीट गर्म से, कोल्ड ठंडे से, डस्ट धूल से और रेन बरसा से, कपड़े हमें इन चीजों से बचाते हैं। क्लोथ्स आल्सो गिव अस रिच एंड स्मार्ट लुक, और कपड़े ही हमें एक अच्छा आकर्षक लुक यानी कि दिखावट देते हैं, यानी हम कैसे दिखते हैं इन कपड़ों को पहनकर, स्मार्ट एंड रिच, अच्छे दिखते हैं। तो ये आपका हो गया व्हाई डू यू नीड क्लोथ्स का। क्वेश्चन नंबर डी व्हाट आर एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं, गिव एग्जाम्पल, कहने का मतलब ये है कि ऐसे फाइबर्स होते हैं जो जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं, होते तो नेचुरल है, तो इनके अपन को एग्जाम्पल देने। तो देखेंगे दीज फाइबर्स यानी कि दीज का मतलब एनिमल फाइबर, तो एनिमल फाइबर्स आर द नेचुरल फाइबर, भाई एनिमल से प्राप्त हो रहा है तो वो नेचुरल ही तो है, सिंथेटिक तो है नहीं।
तो आपको पता है कि एनिमल फाइबर से प्राप्त होने वाले नेचुरल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये पता चल गया। बिच आर ऑप्टेंड बाई एनिमल्स, और वो किससे प्राप्त होते हैं, जानवरों से, हमें ये भी पता चल गया। तो बिच आर ऑप्टेंड बाई एनिमल, ये जानवरों से प्राप्त होते हैं, ये ऐसे ये प्राकृतिक रेशे होते हैं, ठीक है। दीज फाइबर्स यूजुअली मेड ऑफ प्रोटीन, ये फाइबर्स यानी ये रेशे यूजुअली सामान्यतः रूप से मेड ऑफ बने हुए होते हैं, किसके, प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स के क्यों बने हुए होते हैं, क्योंकि जो भी हम एनिमल फाइबर यूज करते हैं वो या तो उनकी खाल से बने हुए होते हैं, उनके बालों से बने हुए होते हैं, और उनके बाल, खाल या उनकी त्वचा में प्रोटीन्स तो होता ही है। जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन्स विटामिन होते हैं, तो जानवरों की बॉडी में भी प्रोटीन विटामिन होते हैं, तो इसीलिए वो रेशे किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से और केराटिन से। एग्जाम्पल देखेंगे, सिल्क इज ऑप्टेंड बाई कोकून, कोकून से बनता है सिल्क। कोकून कब बनता है, जब आपका सिल्क वॉर्म अपने ऊपर लपेट लेता है अपनी लार को, वो लार पूरी रात सूख जाती है, तब वो प्यूपा बन जाता है, और प्यूपा बनने के बाद उसे जब हम गर्म पानी में उबालते हैं तो उससे धागा अलग हो जाता है और वो कीड़ा अलग हो जाता है, तो उसे कोकून कहा जाता है। तो सिल्क किससे प्राप्त होता है, उस कोकून से। तो उसके मुंह से जो लार निकली, जो उसका उसके ऊपर कवर्ड हुआ, तो वो भी किससे निकलता है, प्रोटीन से, वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, इसलिए सिल्क इज ऑप्टेंड बाई कोकून। एंड बूल यानी ऊन इज ऑप्टेंड बाई शीप्स हेयर, यानी शीप भी हो सकता है, कैमल भी हो सकता है, याक भी हो सकता है, मैंने शीप लिखा है। तो बूल किससे प्राप्त होता है, शीप के हेयर से, फ्लीस बालों से, फर उसके, फर मतलब बोलते हैं जो घने बाल होते हैं और भी ज्यादा, तो ये तीनों एक ही चीज है, आप हेयर भी लिख सकते हो। तो बूल तो प्राप्त होता है आपके शीप के हेयर से, और सिल्क प्राप्त होता है आपके कोकून से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है डे 9 पर। डे 10 पर हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। थैंक यू।